मन्हास, नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी पार्टी प्रेसिडेंट। आज बहुत खुशी हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और आज नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सबसे मुख्य बात यह है कि नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी आज एक महिला कैंडिडेट को चांस दे रही है। शायद जम्मू प्रोविंस में कभी एमपी कैंडिडेट के लिए कभी महिला का नाम अनाउंस नहीं किया गया, और शायद ये हिस्ट्री होगी। और नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी को बड़ा हर्ष और उल्लास है कि आज हम अपनी महिला जो हमारे जम्मू कश्मीर की हैं और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको हम जम्मू रियासी लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। और साथ ही हम नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी जम्मू के लोगों की बात करेगी, डोगरों की बात करेगी, सरकारी स्कूलों की बात करेगी। आए दिन आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की धांधली तब तक रहेगी जब तक सरकारी ढांचे ठीक नहीं होंगे। सरकारी ढांचे मतलब जैसे डीसी ऑफिस है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सरकारी स्कूलों की हालत देखो तो खस्ता है। आज हमारे डीसी को, डिव कॉम को इतना नहीं पता कि इनकी रियासत में, इनकी प्रोविंस में, इनके जिले में किन स्कूलों की खस्ता हालत है। हम सीधे तौर पे सरकारी स्कूलों की दुरुस्ती के लिए काम करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो डोगरा सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है उसके लिए काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी जम्मू की पार्टी है, और ये महिलाओं को एम्पावर्ड करेगी। और आने वाले समय पे भी आप देखेंगे जब डीडीसी होंगे, म्यूनसिपैलिटी होंगे, एमएलए असेंबली इलेक्शन होंगे, तो महिलाओं को ही मौका दिया जाएगा। और साथ में ही बड़ी खुशी के साथ हम नॉमिनेट करते हैं आज इनको, शिखा बंदराल जी को। आप जम्मू रियासी सांबा से आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है आपका, क्या कुछ काम होंगे अगर आपको जनता वोट देती है, किस किन मुद्दों को देखकर आपको वोट देंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जनता का विश्वास जीतने के लिए और साथ में महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस दावेदारी में आई हूँ। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं, जो उनकी आइडेंटिटी डोगरा आइडेंटिटी जैसे कि सर बता रहे थे अभी, उस आइडेंटिटी को जो खत्म कर दिया गया है उसके हक के लिए हम हमेशा आवाज उठाएंगे। और जम्मू वासियों की जितनी भी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, उन बुनियादी मुद्दों के लिए हमारी पार्टी हमेशा आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। मैं इसी के ऊपर अपना इलेक्शन में, यही मेरी बात रहेगी और यही मेरा हमेशा दावेदारी का पहला प्रमुख मकसद रहेगा कि जम्मू के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की जाए। और नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी सभी पार्टियों से ये भी कहती है कि आप भी अपनी पार्टी की महिलाएं हैं और वो महिलाएं आगे आए, वहां पे आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, लीडर बने हैं, मगर आपको टिकट नहीं है। सरकारें बात तो करती है, खासकर बीजेपी हो गया, कांग्रेस बातें करती है महिला आरक्षण की, मगर देने की जब बात आती है तो जब डिलिमिटेशन आएगा तब महिलाएं आज किसी से कम नहीं है। नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी ने आज अपना कैंडिडेट उतारा है और बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए आप सिर्फ बुलंदियां मत करें, आवाजें ना उठाएं खाम खा की, आप ग्राउंड पे काम करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। सरकार इम्प्लीमेंटेशन के लिए आती है, वादों के लिए नहीं आती। हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करेंगे, और खासकर जम्मू सूबे में जो हमारे पीएचई डेली वेजर्स हैं, जो आंगनबाड़ी के हैं, एसपीओस हैं, होमगार्ड वाले हैं, इनकी आवाज बनेंगे। और महिलाओं को और हम अपने तरफ से भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में आप आए और भागीदारी होगी नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।